जी हाँ दोस्तों, यूँ तो कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। इसी लॉकडाउन के बीच में हमें कई ऐसे सीरियल्स देखने को मिल रहे हैं जो 90 के दशक में काफ़ी धूम मचाए थे और ऐसे में अब 2020 में भी काफ़ी धूम मचा रहे हैं। इसमें से एक बड़ा नाम सामने आता है, हम 5। जी हाँ दोस्तों, ये शो काफ़ी मशहूर था, 90 के दशक में भी थी और इन दिनों फिर से प्रकाशित होने के साथ ही इसकी एक बार फिर से सारी पॉपुलरिटी वापस आ गई, यानी कि जितने भी इसके किरदार हैं सब एक बार फिर से फेमस होने लग गए हैं। इसमें बात करें सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार निभाने वाले की तो वे थी शोमा आनंद जी, जो कि इन पांचों बेटियों की, यानी कि जो हम 5 सीरियल्स की स्टोरी थी, उन पांचों बेटियों की माँ बनती है और साथ साथ कंफ्यूज महिला का किरदार अदा करती हैं। इस शो में यह काफ़ी आनंदपूर्वक अपना कैरेक्टर निभाती भी दिखाई दी और इसके बारे में इन्होंने बताया भी कि इनको ये कैरेक्टर काफ़ी पसंद भी आया था और इसके लिए उनकी हमेशा यादें जुड़ी भी रहेंगी। शोमा आनंद ने इस शो के बाद तमाम टीवी शोज और कई बड़ी हिट फिल्में की, जैसे हंगामा, कल हो ना हो, कूली जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इन दिनों वह फिल्मों और शोज से और बाकी मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी दूर है, साथ साथ बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के बाद वे दूरियां बनाए रखी हैं। इसके पीछे की उन्होंने बात बताई है कि वह इन दिनों जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है उसके लिए परफेक्ट नहीं, तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में वह कश्मीर में जाके रहती हैं, जिसके चलते उनका वहाँ से आने का मन नहीं करता है। साथ साथ इन्होंने बताया कि यह शो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, यह शो सभी के लिए इतना खास था कि हम आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी जितने भी इसमें कैरेक्टर्स, जितने भी इसमें किरदार निभाए थे सबने, वह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शो में हम एक परिवार के रूप में हासिल हुआ था, यानी कि जितने भी हम सब थे वे एक परिवार के रूप में थे। इस शो में आपको बताया दोस्तों कि विद्या बालन भी थी। विद्या बालन ने राधिका माथुर का किरदार निभाया था, जो कि परिवार की दूसरी बेटी थी। उनके साथ ही अपने केमिस्ट्री को लेकर शोमा कहती हैं कि वह आज भले से ही इतनी ऊंचाइयों पर हो, इतनी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए आज भी उतनी जगह है। जहां कभी कोई जन्मदिन मुबारकबाद या कोई ख़ास अवसर हो तो वह मुझे फ़ोन करके ज़रूर उस बात की बधाई देती हुई दिखाई देती हैं। आपको बताया दोस्तों कि शोमा पिछली बार 2009 में फिल्म लाइफ पार्टनर में नज़र आई थी और साथ ही साथ अब इनके बारे में खबरें आ रही हैं कि फिर से अगर ये दिखाई दे सकते हैं तो हंगामा फिल्म में दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पे हंगामा फिल्म के सीक्वल की बनने की मांग हो रही है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि शोमा आनंद जी चाहती हैं कि हम 5 का दूसरा सीक्वल बने, क्योंकि ये शो इतना हिट गया था उस समय कि अगले 50 साल तक भी अगर टीवी पर आता रहेगा तो लोग इसको बिना बोर हुए देख सकते हैं। तो एक बार इन्होंने फिर से हम 5 की सीक्वल बनाने की मांग की है। देखना है, दिलचस्प होगा क्या इनकी मांग पूरी होती है और क्या दर्शकों की मांग पे हम 5 का अगर फिर से सीक्वल बनाया जाता है, यानी कि इन 5 किरदारों का अगर फिर से सीक्वल बनाया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको कैसी लगती है हम 5 की स्टोरी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।